बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, टॉपिक डिस्कस्ड फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बाय स्टीफन पी रॉबिन्स, चैप्टर नंबर 1। हम बात करने जा रहे हैं जी कि हाउ टू डिज़ाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। बुनियादी तौर पे दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर और इसमें हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं जिसकी फर्दर डिटेल जो इन डीपर कॉन्टेक्स्ट आपको अगले चैप्टर्स में भी मिलती है। इन द प्रीवियस सेक्शन हमने कंज्यूमर मार्केट प्लेस के कॉन्सेप्ट को देखा। वंस वी हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स के मार्केट प्लेस और कंज्यूमर के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसको जब हम एज अ मार्केटर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो मार्केटिंग मैनेजर एक सिंगल स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकती है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट आएंगे, एक कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और एक कस्टमर ड्राइव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बात करेंगे। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। देयर इज वन डेफिनेशन व्हिच इज गिवन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम बेसिकली क्या है कि हम चूज करते हैं एक टारगेट मार्केट को और फिर उस टारगेट मार्केट में एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसका मकसद क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जिसमें पहली चीज़ हम बात करते हैं कि फाइंडिंग आउट किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि किस एरिया में हम काम कर सकते हैं। देन दूसरी चीज़ इससे आ जाती है कि हमने उस मार्केट में किसको क्या करना होता है, दैट इज़ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। देन रिटेन रखना होता है, दैट इज़ कीपिंग द कस्टमर्स। और फिर ग्रो टारगेट मार्केट कस्टमर, कि हम अगर 5 कस्टमर हैं तो वी वुड लव टू हैव 7 कस्टमर, वी वुड लव टू हैव 10 कस्टमर्स। और ये कैसे हो सकता है, बाय क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। जब हम कस्टमर को मोर ऑफर करेंगे, मोर बेनिफिट्स ऑफर करेंगे, मोर सेटिस्फेक्शन ऑफर करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल एंड अप के हम अपने कंपनी के लिए ग्रोथ एस्पेक्ट्स को अगर अचीव करना चाहें तो अचीव कर सकते हैं। सो डिजाइनिंग अ विनिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उसमें मार्केटिंग मैनेजर का एक बुनियादी रोल होता है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको उसने आंसर करना होता है। पहली चीज़ रिलेट करती है व्हाट कस्टमर्स विल सर्व, ठीक है, यानी हमारी टारगेट मार्केट कौन सी है, यानी हम किन कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं या किन कस्टमर्स के लिए अपनी प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट हाउ वी कैन सर्व दीज कस्टमर्स बेस्ट, यानी हाउ वी कैन सर्व दीज कस्टमर बेस्ट इज टर्म एज अ वैल्यू प्रोपोजिशन। यानी ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन ऑफ बेनिफिट्स है अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, वो हम क्या क्रिएट करें कि हम उनको बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर कर सकते हैं। सो इन्हीं दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर हम एक कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देख रहे होते हैं। सो पहले पॉइंट क्यों देखते हैं, सिलेक्टिंग कस्टमर्स टू सर्व। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट रिलेट करता है वो ये है कि क्या एक मार्केटर जो है वो तमाम कस्टमर्स को सर्व कर सकता है। द आंसर सिंपली कम्स नो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मार्केट को हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आगे इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी है, लेकिन हम इसको हल्का सा डिफाइन कर लेते हैं। जस्ट टेक एग्जांपल के ये जो बड़ा डब्बा हमने बनाया है ये एक मार्केट है, और जब हम ये इसको मुख्तलिफ हिस्सों में क्रिएट करते जा रहे हैं तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन किसको कहते हैं, डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ बायर्स। अब हम क्या पूरी मार्केट को सर्व कर सकते थे, जवाब आया था नहीं, इसीलिए हमने मार्केट को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और फिर इसमें से वो हिस्से जो कि हम इजीली सर्व कर सकते हैं, बेस्ट अंदाज में सर्व कर सकते हैं, जस्ट टेक एग्जांपल ये मैंने दो टिक लगा दिए कि ये वो दो मार्केट्स हैं जिसको हम इजीली कवर अप कर सकते हैं, तो ये हमारा ये जो टिक वाली चीज है ये क्या कहला रही है, दैट इज टर्म्ड एज आवर टारगेट मार्केट। सो ये बेसिकली एक एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किया वो है सिलेक्टिंग कस्टमर्स टू सर्व। सो इट इन्वॉल्व सेगमेंटिंग अ मार्केट एंड देन गोइंग फॉर अ टारगेट मार्केट जिसको हम सर्व करेंगे। बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इससे रिलेट करती है कि हम कितने कस्टमर्स को फाइंड आउट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा को फाइंड आउट कर सकें ताकि हम इंक्रीज कर सकें अपनी प्रोडक्ट्स की डिमांड को। लेकिन मार्केटिंग मैनेजर बेसिकली ये समझता है और ये जानता भी है कि वो तमाम कस्टमर्स को सर्व नहीं कर सकते, और अगर वो तमाम कस्टमर्स को सर्व करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम
उनको अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड ना कर सकें, उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन ना कर सकें। सो उसकी बिना पर हमारे लिए एक चॉइस ये बनती है कि हम उसमें से कुछ को पिक कर लें। सो इसमें भी आपको अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहें तो आपको क्या नजर आता है कि कई फार्म्स जो हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए नजर आती हैं। सो मार्केटिंग मैनेजर्स क्या करते हैं, उनको ये डिसाइड करना है कि कस्टमर्स जो हैं वो कौन से हैं जिनको वो अपने टारगेट में लेकर आना चाहेंगे, ऑन ऑल लेवल्स टाइमिंग्स एंड नेचर ऑफ देयर डिमांड उसको सर्व करना चाहेंगे। सो अगर हम इसको सिंपलेस्ट अंदाज में बात करें तो सिंपली पुट मार्केटिंग मैनेजमेंट इज इन कस्टमर मैनेजमेंट एंड डिमांड मैनेजमेंट। देन हमारे पास वंस वी हैव डिसाइडेड कि हमने किस कस्टमर को सिलेक्ट करना है, ये काम हमने कर लिया, तो फिर हम किसकी तरफ मूव करते हैं, चूजिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन। चूजिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन को मैं ऐसे बनाता हूँ जैसे मैंने पहले भी किया, ये भी हमने देना है, ये भी हमने देना है, ये भी हमने उनको सर्व करवाना है और ये भी हमने सर्व करवाना है। ओके, ये जो टोटल हमारा सेट बना ऑफ डिफरेंट बेनिफिट्स दैट हैज बीन ऑफर्ड बाय आवर प्रोडक्ट, ये हमारा क्या बनी, वैल्यू प्रोपोजिशन। सो कंपनी को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि हाउ वेल इट इज गोइंग टू सर्व द टारगेट कस्टमर्स। सो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंशिएट एंड पोजिशन। ये एक सीक्वेंस बन रहा है कि हमने जो पहला प्रोसेस किसका किया था, सेगमेंटेशन का, सेगमेंटेड मार्केट में हमने क्या बना ली थी, टारगेट कस्टमर्स ले लिए थे और उन टारगेट कस्टमर्स को हमने क्या करना है, पोजिशन करना है, दैट इज टू क्रिएट द इमेज ऑफ योर ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। सो ये जो इमेज हम बनाने की बात कर रहे हैं इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, ये हमारी क्या है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वैल्यू प्रोपोजिशन। दैट इज द सेट ऑफ बेनिफिट्स और वैल्यू इट प्रोमिसेस टू डिलीवर कस्टमर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अब इसमें आपको कई फर्म्स का वैल्यू प्रोपोजिशंस नजर आती हैं कि वो क्या देना चाह रहे हैं, जैसे टी मोबाइल की हम बात कर लेते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन स्टिक टुगेदर, दैट ये उनकी एक ओवरऑल बेसिकली वैल्यू प्रोपोजिशन है जिसकी बेस के ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट को पोजिशन करते हैं मार्केट में। BMW के हवाले से अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। सो ये वैल्यू प्रोपोजिशन जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करती हैं किसी भी एक ब्रांड को दूसरी ब्रांड से और कस्टमर्स के क्वेश्चन को भी एक तरह से आंसर कर रहे होती हैं कि व्हाई शुड आई गेट दैट प्रोडक्ट, मैंने क्यों उस चीज़ को खरीदना है रादर देन इन कंपैरिजन विद अनदर ब्रांड। जस्ट एक एग्जांपल, अगर आपके सामने एक रैक पड़ा है जिसके ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ चिप्स अवेलेबल हैं तो फिर आप क्या देखते हैं, देर आर लेस, देर आर अदर ब्रांड्स विच आर अवेलेबल, तो आप लेज को ही क्यों उठा रहे हैं। द आंसर कम्स के लेज की वैल्यू प्रपोजिशन आपके माइंड में ऐसे फिक्स हो चुकी है दैट यू आर प्रेफरिंग दैम अपॉन द अदर चिप्स ब्रांड्स। ये तो हमारी होगी कि हमने दो काम किए इन डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन स्ट्रैटेजी, हमने सेलेक्ट किया कस्टमर्स को कि हमने किन को सर्व करना है और उसी की बेस के ऊपर हमने एक वैल्यू प्रपोजिशन है उसको चूज किया। सो इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट मार्केटिंग ओरिएंटेशंस के ऊपर बात करेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क एंड वी कैन आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।